फंक्शंस जो है पूरे परफॉर्म करेगा। चलते हैं जंगल की तरफ। पाँच बज के 11 मिनट हुए हैं और बाहर से गीदड़ का शोर 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 एकदम डरा दिया उसने, इतना शोर कर रहा है। रज़ान फजर भी स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डोली साइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस्मित के साथ के आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। मैं हुराना सली दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों के परेशान दूर करें, और जो जो लोग किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और जल्दी से उनको इस परेशानी में से, इस मुश्किल में से, इस बीमारी में से, या जिस भी मसले में वो हैं, अल्लाह ताला उन्हें इसमें से बाहर निकालें। जब तक वो इसके अंदर रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इसके ज़्यादा सारा अजर दें। सूरज भाईजान भी हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे, मैं भी नहाने का सोच रहा हूँ, लेकिन सूरज निकलेगा तो ही हम नहाएंगे। जब सूरज निकलेगा तो फिर जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम जब ट्यूबवेल चला के तो ताज़े पानी के साथ नहा सकेंगे। मैं इंजॉय कर रहा हूँ ये वाला अनार मज़ेदार सा, इस खूबसूरत से पुरसकून से दिलकश से नज़ारे को इंजॉय करते हुए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सुर्ख अनार निकला है। एक अनार कंप्लीट खा लिया मैंने, दिल नहीं भरा इसलिए मैं दूसरा ले आया, और चेक करें माशाल्लाह दूसरा भी कितना सुर्ख सुर्ख है। स्वादी अनार। हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। सूरज साहब की पता नहीं क्या बात है, नाराज़ हुआ मैं शायद। यह फार्म हाउस हमारा जो है वो ज़ेर तमीर था और तमीर मुकम्मल भी नहीं हुई थी, और इसको जो है वो छोड़ दिया गया दो कमरे बना के, और उनको जो है वो ज़रा डिस्क्लोज सा सेफ सा करके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे जाओ वाशरूम वगैरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो अभी तक जिस किसी को भी वाशरूम की ज़रूरत पड़ती है वो जंगल है साथ, और उसके अलावा ये सारी ज़मीन जहाँ मर्जी बैठो जैसे जैसे मर्जी बैठो। काफ़ी दिनों से मैं भी फसलें यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यह कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं जो नीचे से इतना नहीं बैठ सकता, इसलिए हमें चाहिए एक ऐसा वाशरूम जो कि हमारे लिए बेहतरीन हो, ईजी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बेसिक नीड में से है। वाशरूम के लिए मैंने जो जगह सेलेक्ट की है वो खेत के अंदर वाली जगह सेलेक्ट की है। ये वॉशरूम हमारा आरजी होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारी ज़रूरत जो है उसको पूरा कर देगा, अनलेस हम लोग जो है वो परमानेंट वॉशरूम नहीं बना लेते, लेकिन तब तक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये वॉशरूम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उन्हें सबसे पहले जो है वो एक अदद कई, हम लोग छोटी वाली कई लेके जाएंगे एक अदद, उसके अलावा एक अदद रंबा, और ये वाली चेयर मेरे बैठने के लिए। वैसे तो एक काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जंग वगैरह लग चुका है इसको काफ़ी हद तक, लेकिन एक अभी भी ये काबिल इस्तेमाल है, ये हम इस्तेमाल करेंगे और इसको लेके चलते हैं बाहर। पहली फुर्सत में हम लोग जो है वो कई और रंबाई दोनों लेके चलते हैं उधर। कई और रंबे को एक साथ कैरी करने का ये बेस्ट वे मुझे नज़र आया, और चलते हैं। डोली हमारा पहले बैठ के वहाँ पे वेट कर रही है, ये भी हमें हेल्प आउट करेगी। और इस सारे खेतों में सबसे जो परफेक्ट जगह लगी है वाशरूम के लिए, आरजी वाशरूम के लिए, वो ये वाली जगह। इसमें जब वो हल भी ज़रा ऊपर ऊपर ही लगा हुआ है, तो नीचे से जब वो ज़मीन सख्त है, तो हम जो यहीं पर इंशाल्लाह वाशरूम का जुगाड़ करते हैं। और डोली हमें बता रही है कि वो सामने से जब जानवर जा रहे हैं और ट्रैक्टर भी जा रहा है। टूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहुंच के, अब चलते हैं और जाके चेयर भी लेके आते हैं, क्योंकि साइज़ वगैरह जो हमने चेयर के हिसाब से लगाना है, जो जगह हमने बनानी है उसके जो सारा कैलकुलेशन है वो हमारी चेयर के मुताबिक ही होगी, इसलिए अब तो ज़रा चेयर लेके आते हैं पहले, उसके बाद जब कैलकुलेशन करने के बाद जब हम काम स्टार्ट कर सकेंगे। चेयर चूँकि थोड़ी ज़्यादा वजनी है, इसलिए इसको जब हम आहिस्ते आहिस्ते लेके जाएंगे, लेकिन लेके जानी पड़ेगी हमें। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह चेयर लेके आ गए, और ये हमारी चेयर
इसको हमने यूज़ करना होता है। ऐसे काफ़ी अर्से यूज़ ही नहीं किया, ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो काफ़ी जब गंदी मंदी भी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सामान इकट्ठा करते 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 मैं पानी भी लेके आया था और अबू जी भी आ गए हैं, और अबू जी ये स्टिक लेके आए हैं ताकि इससे जब हम पैमाइश करके और फिर जो है वो बनाएं अपना वॉशरूम। चेयर हमने रख ली है और अभी जो है वो इसके मुताबिक हम पहले साइज लेंगे चेयर का कितना है, और फिर उसके बाद जो है वो हम अंदर वाले सुराख का डिसाइड करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बिना पैमाइश के करें और जो सुराख हम बनाएं उसके अंदर जो है वो चेयर भी चली जाए। सारे काम जो है वो कैलकुलेशन के मुताबिक करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं डंडे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम हमारा कंप्लीट हो गया और ये आ गया हमारे पास निशान। अब हमें इस चीज़ का तो अंदाज़ा है कि कितना कितना जब वो डिस्टेंस रख के तो हम जब उसमें सुराख करें तो हमारा सुराख जो बिल्कुल बेहतरीन होगा। बाकी सेफ्टी प्रिकॉशंस को जब हमने फर्स्ट हैंड रखना होता है, इसीलिए हमने पहले निशान लगा लिया और उसके बाद हम सुराख निकालना शुरू करते हैं। अगर हम 2.5 से 3 इंच छोड़ दें साइडों से जहाँ जहाँ पर भी निशान लगाया है, उतनी सी ज़मीन जब वो चेयर की ग्रिप के लिए बेहतरीन होती है। उसके अलावा ये कि साथ जब वो कोई हॉर्स पोर्ट लगा लेंगे जिससे जब वो चेयर अंदर नहीं गिरेगी, लेकिन हमारे पास जो कैपेसिटी है नीचे वो बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉट तो है नहीं, यहाँ पे हमें यूज़ करनी है ज़मीन, ज़मीन के अंदर ही सुराख करना पड़ेगा हमें और उसी को जो है वो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, और जितनी उसमें डेप्थ या कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा दिन जो है वो इस्तेमाल हो सकेगा। करते हैं नेक्स्ट स्टेप शुरू और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के यहाँ से करीब 3 इंच छोड़ के तो ये जगह बनती है, और अगर हम यहाँ से 3 इंच छोड़ें तो तकरीबन ये जगह बनती है, और अगर हम यहाँ से छोड़ें तो ये आ गई, और यहाँ से छोड़ के ये आ गया हमारे पास, यानी कि हमें इसके अंदर अंदर ही रहना है। गड़ा बनाना शुरू करते हैं। उस वक्त से सूरज नहीं निकल रहा था, अब सूरज निकला है तो आप जो गर्मी लगना शुरू हो गई, जैकेट हम उतार लेते हैं। और इसी तरह से डायरेक्शन बदल के और फिर हम जो कहीं का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जब अच्छे से सुराख कर सकें प्रॉपर विद इन रेंज। कई के साथ जितना हम सुराख कर सकते थे हमने कर लिया, और इससे आगे का सुराख जो है वो रंबे के साथ होगा। मिट्टी जब हम कई की मदद से निकाल लेंगे तो एक बार में ज़्यादा ज़्यादा निकलती जाएगी। खड़े होकर करने वाला काम नहीं, हमें बैठ के करना पड़ेगा। अब मेहनत करते हुए कपड़े तो गंदे होते ही होते हैं, वैसे भी कोई इशू नहीं है, हमने खुद ही धोने, कौन सा किसी ने धोने।
अल्हम्दुलिल्लाह गड़ा जो है वो काफ़ी गहरा निकाल दिया है, इसको थोड़ा सा और गहरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह गड़ा हमारा बहुत गहरा हो गया है और यहाँ पे करते हैं हम इसको स्टॉप। बाउंड्री के लिए जो हम कपड़ा इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला टॉट जो है बेहतरीन है, और जिस जगह पे ये इस्तेमाल होता है उसकी जगह इंशाल्लाह हम लोग नया और फ्रेश और जो बहुत सूटेबल टॉट होगा, सूटेबल कपड़ा होगा वो ला के रखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पेस जो है वो बेहतरीन बन गई है और इसी को जब हम इस्तेमाल करेंगे, आउटर साइड और स्पेस हमने जो तैयार की है उसमें तकरीबन 6 इंच हाइट का डिफरेंस है और मेरा ख्याल है कि इतना डिफरेंस है वो बड़ा बेहतरीन है। अब सारे कलर जो है वो मट्टी मट्टी वाला है इसलिए इतना वाजह नज़र नहीं आएगा, लेकिन मज़ेदार जो है वो बन चुका है। और ये थोड़ा सा रास्ता भी हमने साथ में बनाया ताकि जब कोई बारिश हो तो ये जो ऊँची जगह होगी ये कम गीली होती है, जल्दी खुश्क हो जाती है, तो हम जो इसके ऊपर ऊपर से हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकें, यानी कि वॉशरूम में पहुंच सकें। इसको कवर करने के लिए यानी कि पर्दे के लिए हमें चाहिए कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर जो वो हम लोग उस कपड़े को लटका सकें, तो उसके लिए हमें चाहिए लकड़ियाँ। लकड़ियाँ जो वो हमें काफ़ी अवेलेबल हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है जंगल दरख्त बेहतरीन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ से हम लोग लेके आते हैं लकड़ियाँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में उन लकड़ियों को लगाएंगे, पहले लानी पड़ेंगी हमें जल्दी से। लकड़ियाँ काटने वाला औजार वो हमने मंगवा ली है, कुछ बहुत लकड़ियाँ जो वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और कुछ जो हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी वो हम जंगल से लाते जाएंगे। टूल हमने कैरी कर लिया और ये बहुत ही शार्प और ख़तरनाक सा टूल है, वैसे तमिल मूवीज़ वाला भी है ये। चलते हैं जंगल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ियाँ बुजन तैयार कर ली हैं क्योंकि ये मेरे बस से तो जाओ ऊपर की बात थी, तो अब हम जरा लकड़ियाँ उठाते हैं और चलते हैं अपने वॉशरूम वाली साइड को। लकड़ियाँ जब इस तरह से इसके कॉर्नर्स के ऊपर लगाएंगे जल्दी जल्दी से, और उसके बाद जब हम कपड़ा हैंग कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम थोड़ा सा सुराख कर लेते हैं और उसमें इसको डाल के ऊपर से मट्टी जो उसमें हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग गड़ा निकालते हैं छोटा सा लकड़ी लगाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 फीट तक सुराख हो गया और इसी तरह से इसके चारों साइडों पे जाओ सुराख कर लेंगे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह सारे गड्ढे जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 1, 2, 3 और 4 अब इनके जो स्टिक्स लगाते हैं। ये वाली लकड़ी यहाँ पे लगाने लगे हैं लेकिन इरादा ही मेरे बन रहा है कि नीचे तो थोड़ी बहुत मिट्टी गिरी है उसको थोड़ा निकाल लेते हैं कहीं और जब डेप्थ में चला जाएगा। यार खड़ा करने अब इसमें मेरे साथ साथ मिट्टी डालते जाते हैं और साथ साथ इसको जो है वो प्रेस करते जाएंगे, और इसमें जो मिट्टी डालनी है वो हम बारीक बारीक से डालेंगे ताकि मिट्टी जो है वो नीचे कोई गैप ना छोड़े।
थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाएंगे और साथ साथ जब इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, उससे इंशाल्लाह ये बिल्कुल सीमेंट की तरह सख्त हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन सख्त हो गया, ऊपर से हिल सकता है, नीचे से चांस ही बहुत कम है इसके हिलने के। और अब इसी तरह से जल्दी जल्दी बाकी भी सारी स्टिक्स को लगा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी साइड्स बेहतरीन स्टिक्स लग गई हैं हमारी, और अभी लेके आते हैं चादर और उनके बजाय वो चादर लगाते हैं। वक्त आ गया जी चादर का, अब चादर को क्लोज करते हैं। और अब एक बार इधर को ऐसे उठा के ले जाते हैं बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह चादर ले गए हैं और अभी जो है वो चादर लगाना शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला जो है इसका किनारा बांधते हैं। और बिल्कुल बेहतरीन हमारा अंदाजा रहा, साइज बिल्कुल परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाली साइड बेहतरीन बांध दी है और अब इसी तरह से जब हम नीचे से भी बांध देते हैं। हाँ जी, और अब इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है उधर भी बांधते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी गिरा भी बेहतरीन बांध दी है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थर्ड नोड भी जब कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमारे पास अभी तक जब तीन साइड्स बन चुकी हैं। और अभी हम जाते हैं चौथी की तरफ, जल्दी जल्दी से चौथा पोल जाए उसके साथ भी हम बांध देते हैं कपड़े, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मैं यूज़ नहीं करके आया, बस कंप्लीट ही हुआ हमारा और बेहतरीन कंप्लीट हो गया। सारा अंदर घूम फिर के मैंने चेक कर लिया, बड़ा बेहतरीन आउट क्लास है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो है वो मेरा देसी सा क्विक वाला और फार्म हाउस का वॉशरूम कैसा लगा। है तो आर्मी तौर पर, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन जो है पूरे परफॉर्म करेगा अपने जो जो इसकी नीड है। खैर इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहे, इंशाल्लाह मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, और आपको मैं सराउंडिंग दिखाने के बाद अल्लाह हाफिज़। दो अंदर एक बार है।